बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू उर्दू आईटी एकेडमी एंड वेलकम बैक टू एमटीसीएनए। आज एमटीसीएनए माइक्रोटेक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का लेक्चर नंबर 17 है और कुछ एक वीपीएन से रिलेटेड चीज़ें हमने एक दो पहले भी पढ़ ली थी, लेकिन आज का भी जो लेक्चर है वो वीपीएन से रिलेटेड ही एक चीज़ के ऊपर है, पीपीटीपी, जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं पहले भी। तो जो बच्चे इसको सिक्योरिटी पढ़ चुके हैं उनको इस बारे में नॉलेज होगा कि पीपीटीपी जो है वो क्या चीज़ है, और पीपीटीपी जो माइक्रोटेक सर्वर होता है और विंडोज़ का क्लाइंट के साथ आपस में इंटीग्रेशन कैसे होती है, ये आज हम देखेंगे। तो ये कोई बहुत टफ़ चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास एक माइक्रोटेक राउटर होना चाहिए एक साइड पर। दूसरी साइड पे अगर आपके पास माइक्रोटेक राउटर नहीं भी है, मतलब एक आपका साइड ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है, साइड ऑफिस में कोई 5-7-10 लोग बैठते हैं, आप ये चाहते हो यार मैं वहाँ पे अब एक मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, एक रिसोर्स अपने क्यों वहाँ पे जो है वो खर्च करूँ, एक माइक्रोटेक राउटर लूँ वहाँ पे या कोई और राउटर लगाऊँ वहाँ पे और वहाँ के लोगों को जो है वो यहाँ से यहाँ अपने मेन ऑफिस के साथ वीपीएन के थ्रू जो है मैं क्लाइंट अटैच करवाऊँ, आईपीसेक वीपीएन जिसे हम कहते हैं। तो आपके पास एक इजी सलूशन ये भी है कि आप अपने वहाँ पे इंटरनेट होना ज़रूरी है, आपके पास लाइव आईपी जिसे यहाँ जिसे हम स्टैटिक आईपी कहते हैं वो होना ज़रूरी नहीं है, जो वीपीएन हम आज कॉन्फ़िगर करने के लगे हैं उसके लिए। तो उसके लिए इजी है कि आप अपने हेड ऑफिस में उनके यूज़र नेम पासवर्ड के अगेंस्ट पीपीटीपी वीपीएन बनाएं, जितने भी बंदे वहाँ पर मौजूद हैं, और उनको उनके पीसी के अंदर जाके सेटिंग कर दें और वो उस वीपीएन अपने नेटवर्क के थ्रू वो आपके जो हेड ऑफिस का नेटवर्क है उसके लैन के नेटवर्क के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह वो अगर कोई लाइव एप्लीकेशन उन्होंने चलानी है वो चला सकते हैं, कोई डेटाबेस को एक्सेस करना वो कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके लैन में चीज़ों की एक्सेस जितनी आप उन्हें देंगे उतनी एक्सेस उन्हें मिल जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए। तो आज का लेक्चर है जी माइक्रोटेक पीपीटीपी वीपीएन सेटअप विद विंडोज़ क्लाइंट। तो हम देखते हैं जी हमारा क्या है जी इसके अंदर। अच्छा जी, माइक्रोटेक पीपीटीपी वीपीएन सेटअप विंडोज़ क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, वी विल नाउ स्टार्ट पीपीटीपी वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट पीपीटीपी कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो पार्ट होगा ना जो आपने वीपीएन राउटर के अंदर उसकी माइक्रोटेक राउटर के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और दूसरा जो होगा विंडोज़ का कोई भी फ्लेवर आपके पास हो सकता है। मेरे पास विंडोज़ 10 है, मैं इसके अंदर करूँगा। विंडोज़ 10 में करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बस स्लाइट सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। विंडोज़ 7 में भी सेम है, आप विंडोज़ सर्वर के अंदर भी कर सकते हैं, आप अपने विंडोज़ 8 जिनके पास है वो भी कर सकते हैं, विंडोज़ विस्टा वगैरह जिनके पास चल रही है तो वो भी कर सकते हैं। कुछ नहीं, कुछ मतलब चीज़ें एग्जैक्ट सेम ऐसी ही होंगी, लेकिन यह कि कोई जीयूआई में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, कुछ थोड़ा सा अगर एक चीज़ जहाँ मुझे ये विंडोज़ 10 के अंदर वो चीज़ें उनकी कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी मे बी वो वहाँ पर उसकी ना पाई जाती हों, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिन लोगों ने विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 दोनों फ्लेवर जो है वो यूज़ किए हैं, दोनों वर्जन यूज़ किए हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अभी मैं आपके सामने कन्फिगर जो है वो करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, नेटवर्क डायग्राम कुछ इस किस्म की होगी। वैसे मैंने गूगल से नेटवर्क डायग्राम लिया है, तो आप आईपी स्कीम यही वाली यूज़ कर सकते हो, आप आईपी स्कीम जो आपके पास चल रही है वो वाली यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू आप किस तरह करना चाहते हो। अब ये आपके पास एक माइक्रोटेक राउटर पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ से पेन ले लूँ रेड कलर में, ठीक है जी, ये आपका जो है वो माइक्रोटेक का राउटर है जो आपके हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है, जिसे हम एचओ के नाम से कहते हैं, ठीक है जी, और ये आपका साइट ऑफिस है जहाँ पे कोई आपके अराउंड 10-12 क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है। आप आईपी सेक या साइट टू साइट वीपीएन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब कोई ऐसी डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप जो है ना वो माइक्रोटेक अपना वीपीएन कॉन्फ़िगर करोगे और यहाँ पे भी एक वीपीएन कॉन्फ़िगर करोगे, तो ये जो आईपी होगा ये इसके लैन, मतलब ये देखें ना, इस माइक्रोटेक के थ्रू ये इसका लैन है ना, ये इसका लैन का नेटवर्क है, ठीक है जी, ये 10.10.11.2 इसमें से ही एक आईपी इस आईपी को मिल जाएगा, इस पीसी को मिल जाएगा, और इस पीसी का जो अपना लैन का एड्रेस होगा वो लेट्स सपोज 192.168.10.30 या 10 कुछ भी, मतलब x.x भी हो सकता है, उसके साथ इसे ये आईपी भी साइन हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ड्यूल आईपी कैसे चलते हैं, एक इंटरनेट चला रहा है आपका और एक आपका जो है वो आपको हेड ऑफिस के साथ उसने कनेक्ट किया हुआ है और उसे आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जी हमारा लैब का टाइम है डायरेक्टली, मैं कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा इसमें इसलिए नहीं इंक्लूड करता क्योंकि बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं, मुझे कुछ बच्चों ने कहा भी है जी थ्योरी ना इतनी ज़्यादा इंक्लूड कीजिएगा क्योंकि वो बोरियत तो होना शुरू हो जाती है। थ्योरी आपने सीसीएनए में पढ़ ली है जो इसका प्री रेक्विजिट है, और वो थ्योरी इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो थ्योरी आपने नहीं पढ़ी हुई
तो अगर आप डायरेक्टली MTC NA कर रहे हो तो उसका बिल्कुल किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ही आपको ये कहता हूँ कि आप प्री रेक्विजिट्स के साथ अगर यहाँ पे आओगे ना, एक दफ़ा आपने प्री रेक्विजिट्स कम्प्लीट कर लिए तो कम्प्लीट करने का आपको स्टेप स्टेप पे फ़ायदा, मतलब हर जगह पे जैसे जैसे आप इंशाल्लाह ताला ऊपर बढ़ते जाएंगे वहाँ पे वो थ्योरी आपको काम आती जाएगी। तो जो काशिफ भाई ने माशाल्लाह थ्योरी बयान की है यार, उससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है ना। यहाँ पे पूरी उर्दू IT अकेडमी पे मुझे जो सबसे बेहतरीन लेक्चर लगे हैं वो CCNA के लगे हैं। हालांकि मैंने CCNA यहाँ से इनसे पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा मज़ा आया जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मतलब चीज़ मुझे सर्च करनी पड़ती है, किसी को गाइड करने के लिए सर्च करनी पड़ती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इनका लेक्चर सुन के। बड़ा ज़बरदस्त काशिफ भाई माशाल्लाह बहुत फिट काम कर रहे हैं आप। तो दूसरी चीज़ के हाँ, प्री रिक्विजिट्स अगर आपके फिट हैं तो आगे आप अभी तक मेरे ख्याल से जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं जिन्होंने CCNA पढ़ा हुआ वहाँ से, तो उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अच्छा जी, एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैंने यहाँ पे जगह आके अगर आपको मैं IP और एड्रेसेस में IP एड्रेसेस दिखाऊँ, तो मैंने कुछ VLANs कन्फिगर की हुई हैं, कुछ LAN कन्फिगर है, कुछ WAN कन्फिगर है, ठीक है जी। मैं चाहूँ तो मैं ये जो VPN बनाने लगा हूँ, जिसे हम कहते हैं PPTP सर्वर कहते हैं जिसे, मैं चाहूँ तो इसके लिए एक अलग पूल बना लूँ। उस पूल को अगर मैं अलग एक पूल अगर इसके लिए बनाऊँगा, तो ये बात हमेशा याद रखना, पूल बनाने के बाद फायरवॉल में जाके आपने उसका मैस्कुरेट का रूल लाजमी लिखना है, वरना VPN काम नहीं करेगा। ये आपने बात लाजमी याद रखनी है, ठीक है जी। और अगर आप जो इन एग्जिस्टिंग पूल है उसी में से कोई IP देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नया पूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास 10.10.10.0/24 का एक मेरा एग्जिस्टिंग पूल है, उसमें से IP चला जाए, तो उसका तो ऑलरेडी आपने इंटरनेट चलाने के लिए मैस्कुरेट का रूल बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो यार 10.10.10.0/24 में से नहीं, मैं चाहता हूँ 192.168.10.0/24 में से मैं इसका एक अलहदा बनाना चाहता हूँ, या सबनेटिंग करना चाहते हैं आप इसकी 3, 4, 5, 10 IP देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अलहदा से जो है वो उसका पूल क्रिएट करना पड़ेगा। पूल क्रिएट करने के बाद आप फायरवॉल में जाएंगे, फायरवॉल में जाके आप उसका मैस्कुरेट का रूल बनाएंगे। मैस्कुरेट का रूल बनाने के लिए आपको पता है बड़े अच्छे तरीके से, आप जानते हैं मुझसे बेहतर जानते हैं आप, ठीक है जी। सोर्स नेट यहाँ पे और एक्शन यहाँ पे, सोर्स नेट फिर आपने सोर्स नेट देना है कि आप कौन सा सोर्स नेट वहाँ पे मैस्कुरेट करवाना चाहते हैं, तो उसका जो गेटवे का IP होगा वो आप यहाँ पे एंटर करके तो उसे जो है ना वो मैस्कुरेट कर सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये मैं एक्चुअली इसके ऊपर मैंने एक VPN बनाया हुआ था, तो आपने क्या करना है मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने PPP पे क्लिक कर दिया, PPP पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस इस तरह बन के आ गए। आप अब ये देखो यहाँ पे PPTP सर्वर है, SSTP, ये भी एक VPN, ये भी VPN है, ये भी VPN है, L2TP भी है, ओपन VPN भी है और PPOE भी है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी VPN क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं PPTP क्रिएट करूँगा, आपने बिल्कुल इसी तरह SSTP भी, L2TP भी और ओपन VPN भी कन्फिगर करके चेक करना है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ये तीनों जो VPN हैं ये साइड टू साइड भी बनते हैं, मतलब पूरी साइट भी आप अगर आप दूसरी साइट के साथ अटैच करना चाहें तब भी पॉसिबल ये हो सकता है, और अगर आप एक क्लाइंट या डिफरेंट क्लाइंट सिर्फ अपने हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट करना चाहें तब भी ये तीनों VPN आपके पास काम कर सकते हैं। मैं जल्दी कोशिश करूँगा SSTP और L2TP या ओपन VPN पे भी लेक्चर दूँ, लेकिन जो मैं सेटिंग आज करने लगा हूँ ये डिट्टो है, सिर्फ ऑथेंटिकेशन का कोई फ़र्क होगा, कोई मतलब ये देख लें आपके पास प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे और कुछ नहीं, मतलब डिफरेंट होगा ज़्यादा। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके ऊपर अनचेक होता है क्योंकि सर्विस चल नहीं रही होती है, मैंने चेक करना है, एनेबल करना है, यहाँ पे सिर्फ इसे टिक करना और ओके कर देना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना, बस और कुछ भी नहीं है किसी किस्म का यहाँ पे। उसके बाद हमने जाना है प्रोफाइल के अंदर, और जी सॉरी एक्चुअली मुझे कहीं जाना पड़ गया, बीच में काम छोटा सा पड़ गया मुझे। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी हमारी लैब। तो लैब के लिए जो थे मामलात वो ये थे जी, एक सेकेंड। अच्छा जी, अच्छा जी, मैंने सबसे पहले क्या किया था जी, हमने यहाँ से PPTP सर्वर को इनेबल कर लिया था। ओके जी, इनेबल कर लिया। इनेबल के बाद यहाँ प्रोफाइल पे आऊँगा, प्रोफाइल पे आके राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे नाम दे दें PPTP प्रोफाइल, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लोकल एड्रेस आपने देना है जो आपके लैन का गेटवे है, मेरा था 10.10.20.1, और मैं चाहता हूँ जी जो मेरा रिमोट एड्रेस, मतलब घर बैठ के या दूसरे ऑफिस में बैठ के जो मुझे एड्रेस मिले वो क्या हो, 10.10.20.100, सॉरी 10.10.20.105 मिले मुझे, ठीक है। ओके जी, और यहाँ पे और आपने 22 सारी चीज़ें बिल्कुल सेम एज इट इज रहने देनी है, किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। इसमें अगर आप लिमिट लगाना चाहें किसी चीज़ की, लिमिट लगा लें, क्यू लगा लें, कोई स्क्रिप्ट भी रन करना चाहते हैं साथ, तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें एक दफ़ा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ को यूज़ करने में। उसके बाद सीक्रेट,
सीक्रेट में जाके प्लस करना है आपने, प्लस करके यहाँ पे देना जी मेरा नाम है तलत। लेट्स सपोज वहाँ पे तलत नाम का एक बंदा है, उसके लिए आप ये बना रहे हैं, तो तलत बन गया। और उसके बाद पासवर्ड रख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज़बरदस्त सर्विस। अब ये देखिए यहाँ पे वो सारी सर्विसेज आ रही हैं जो वहाँ पे मैंने आपको शो करवाई थी। तो हमने पीपीटीपी सर्विस पकड़नी है और प्रोफाइल जो है यहाँ से पीपीटीपी पकड़ ले। अब आपने प्रोफाइल के अंदर आईपी दिया हुआ है तो यहाँ पे आईपी देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप दे भी देंगे तो कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी आपके लिए। मैं अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल भी बन गई। ज़बरदस्त हो गया जी। अब मैं करता हूँ इसको डाउन, विंडोज़ डी पे चलते हैं हम। सॉरी, अच्छा जी, मैंने वीपीएन क्लाइंट जो उसका कॉन्फ़िगर करना है उसके लिए एक सेटिंग होती है आपकी। अगर आप ये प्रेस करें यहाँ पे वीपीएन लिख लें अपनी, तो ये देखेंगे वीपीएन सेटिंग आपको नज़र आ रही है। वीपीएन सेटिंग के लिए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऐड कनेक्शन। अच्छा, मैं वीपीएन अभी आपके सामने इसलिए इसी इंटरनेट के ऊपर बैठ के इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि उसके बाद मैं इस इंटरनेट से हट के चेक करूँगा कि क्या ये चलता है या नहीं चलता। कनेक्शन नेम कर देते हैं पीपीटीपी, सर्वर एड्रेस है 202.166.161.195। ये आपका लाइव आईपी जो आप मतलब यूज़ कर रहे हो अपने हेड ऑफिस में। यूज़र नेम पासवर्ड है जी, बिल्कुल यूज़र नेम पासवर्ड है। यूज़र आ जाएगा जी आपके पास तलत, और पासवर्ड आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, सेव करेंगे और यहाँ से जाके इसे मैं क्या करूँगा, कनेक्ट कर लूँगा सिंपल। तो ये कनेक्ट करने के बाद मुझे वो आईपी असाइन कर देगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ इस इंटरनेट के ऊपर बैठ के भी, आप यहाँ पर भी बैठ के भी चेक कर सकते हैं कि आपको वो कनेक्ट करता है या नहीं कनेक्ट करता। तो विंडोज़ आर ncpa.cpl, एक आपका पीपीटीपी के नाम का एक आपके पास अडाप्टर बन जाएगा। अडाप्टर के अंदर जाके आप डिटेल चेक करेंगे तो ये देखेंगे आपके पास आईपी असाइन हो गया। तो अब मैं अगर इंटरनेट यहाँ से अपना क्या करूँ जी, वाईफाई इनेबल कर लेते हैं। वाईफाई इनेबल कर लिया और इसको मैं यहाँ से जो है वो डिसेबल करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये डिसकनेक्टेड हो गया। अब इसे हम दोबारा कनेक्ट करते हैं जाके कनेक्ट। VPN setting connecting advanced properties, यही है, ऐसे ही है। VPN proxy कोई नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, क्या मसला आ रहा है? मैं काम करता हूँ ना कि मैं cmd पिंग, इंटरनेट चल रहा है मेरे पास, मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। ओके जी, अब मैं दोबारा वीपीएन कॉन्फ़िगर करके चेक करता हूँ। मैं ये चेक कर लूँ पिंग 202.166.161.195 पिंगेबल है मेरे पास। यस, एड वीपीएन बिल्टिंग पीपीटीपी 161.195 और वीपीएन जो है वो है पीपीटीपी, यूजरनेम पासवर्ड तलत 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेव एंड प्लीज कनेक्ट, सॉरी रिमूव नहीं करना, कनेक्ट करना, सॉरी। हाँ जी, ज़बरदस्त हो गया। और अब मैं करता हूँ विंडोज़ आर, ठीक है जी, cmd पिंग करके चेक करता हूँ। मैं पे सबसे पहले आपको चेक करता हूँ आईपी कॉन्फ़िग करके कि मुझे आईपी एड्रेस कौन कौन से मिले हुए हैं। ये मेरा आईपी एड्रेस है, मैं इस टाइम पीटीएल के नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ और मेरे पास जो VPN से जो मुझे आईपी मिल रहा है वो क्या है भाई, किधर गया, ये मुझे VPN से आईपी मिल रहा है, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। पिंग करता हूँ 10.10.20.1 को, तो ये मेरे पास पिंग आ गया। वल्लाह, ज़बरदस्त काम हो गया। ठीक है जी, ये था जी आपका पीपीटीपी VPN। अब मैं यहाँ से जाऊँ चाहूँ तो अपने ऑफिस की हर चीज़ को मैं यहाँ से
पिंग कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब हर किस्म की सर्विस यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज हमें अलाउ की हुई हैं, कौन कौन से आईपीज अलाउ किए हैं। आईपी का पूरा पूल भी दे सकते हैं, डायनामिक आईपी भी हमें मिल सकता है वहाँ से, मतलब तो जो आप जिस तरह आप चाहें, आप जिस तरह बेहतर लगता है इसे कन्फिगर करना, तो आप उसे उस तरह कन्फिगर कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को कन्फिगर करने में। एंड ठीक है जी, तो ये भी डिसकनेक्ट हो गया क्योंकि मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है। इसे रिकनेक्ट करते हैं और जाके एक चीज़ चेक करते हैं जी कि ये देखें जी, यहाँ पे ज़बरदस्त ये मैं लास्ट लॉगिन जो डेट है वो भी आपके पास आ रही है कि लास्ट लॉगिन की डेट इन्होंने की है। और उसके अलावा ये देखें, यहाँ पे लॉग्स में शो कर रहा है कि तलत हुसैन ने PPTP के थ्रू कनेक्ट किया था और सारे मामला दिया, IP डेसी ने असाइन किया गया, ऑथेंटिकेट हुआ, ये वो। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर, ठीक है जी। और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, कोई नहीं है जी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो ज़रूर आप पोस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी